नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर में विश्व अखाड़ा परिषद के लोगों के साथ हाल फिलहाल रह रहे नितिन पंत ने मेरठ से गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। नितिन पंत से अली हसन बने और बाद में फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने धर्म में लौटने वाले नितिन पंत ने बताया कि जब उसको राजस्थान के बाद मुजफ्फरनगर में रखा गया तो उसके बावजूद भी उसकी एक मस्जिद में रखा गया था, तो वहाँ का संचालक कलीम उससे कई बार मिला और कई लोगों को इस्लाम में दाखिल करवाने का लालच दिया। नितिन का कहना है कि कलीम ने उससे कई बार कहा कि तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनकी अश्लीलता वाली वीडियो बनाओ, इसके अलावा युवाओं को नशे का आदि बनाओ तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। नितिन का कहना है कि कलीम ने यह भी बताया कि उनका इन सब के लिए विदेशों से लगातार पैसा आता था। इनका एक हेड ऑफिस दिल्ली के रोहिणी में भी है। नितिन पंत ने यूपी सरकार से मांग की है कि इसके गिरोह के तमाम सदस्यों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले काम की तलाश में उत्तराखंड के भीमताल निवासी नितिन पंत राजस्थान के मेवात गया था। वहां उसको नौकरी, शादी और पैसों का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कर उसको अली हसन बना दिया गया। अली हसन बनने के बाद उसको मुजफ्फरनगर के पुलत में स्थित उसी मदरसे में रखा गया था जहां का संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी था। तो इस पूरे मामले पे लगातार बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लालच देकर धर्म परिवर्तन उसका कराया गया और उसने कई खुलासे भी किए। उसका कहना है कि ऐसे तमाम युवाओं को वहां लालच देकर पैसों का, शादी का, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और साथ ही साथ युवाओं को नशे का आदि बनाने, हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने, तमाम चीजों को लेकर उन्हें धकेला जाता है इस दलदल में। वो विदेशों से फंडिंग करता, विदेशों से पैसा लेता है, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता, उनको पैसों का लालच देता है, ब्लैकमेलिंग कराता है। उसने मुझसे भी कहा, मैं 6-7 बार मिला, मुझसे यूँ कहा कि भाई पैसा ले, जितना चाहिए उतना पैसा लो, हथियार चाहिए हथियार लो, काम छोटा सा है, काम करो, लड़कियों की वीडियो बनाओ, उनको अपने जाल में फंसाओ, नशे की आदत डालो हिंदू लड़कों को, उनको अपनी तरफ खींचो, मुसलमान बनाओ। कौन से जिले में है मदरसा जो था? मुजफ्फरनगर। कौन सी जगह पे? खतौली। खतौली तहसील के अंतर्गत एक गांव है फुलत जी, वहां पे स्थित है ये। मैंने धर्म परिवर्तन किया था मेवात के क्षेत्र में, मेवात में मेरे को एक गांव है पचगांव, वहां पे बंधक बना के जबरन धर्म अंतरण, बंदूक के दम पे कि भाई तेरे परिवार को मार देंगे, तुम धर्म में आ जाओ। वहां से मैं किसी तरह निकलता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत यातनाएं की, निकलने में 6 साल तक मेरे को बंदी बना के रखा गया। मेरी यहाँ पे मदद निपुण भारद्वाज जी हैं जो विश्व अखाड़ा परिषद से हैं और मैं अभी उन्हीं के संरक्षण में हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मदद की और मुझे उन्हें अपने धर्म में आने का रास्ता। सहारनपुर का ही पूरा मामला जहां पर नितिन पंत ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सहारनपुर में विश्व अखाड़ा परिषद के लोगों के साथ हाल फिलहाल रह रहे नितिन पंत ने मेरठ से गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि नितिन पंत से अली हसन बने और बाद में फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने धर्म में लौटने वाले नितिन पंत ने बताया कि जब उसको राजस्थान के बाद मुजफ्फरनगर के फुलत की एक मस्जिद में रखा गया तो वहां का संचालक कलीम उसे बार बार मिला है और कई तरह के लोगों को इस्लाम कबूल करवाने का उसने यहां पर वादा किया और इस्लाम कबूल भी करवा लिया। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुशील कपिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले में? आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील, मेरी आवाज मिल रही है? सुशील, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अगर नितिन पंत की बात की जाए तो उसने भी अब नए खुलासे किए और कहा है कि उसने भी इस्लाम धर्म कबूल किया था लेकिन फिर से उसने हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन अब कई खुलासे वो कर रहा है। सुशील, मेरी आवाज मिल रही है? तो सुशील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लालच देकर धर्म परिवर्तन यहां लोगों का कराया जाता था। दरअसल यहां पर जो संचालक है कलीम
सिद्दीकी, उससे कई बार वो मुलाकात करता रहा, कई लोगों को इस्लाम में दाखिल करवाने का लालच देता रहा। नितिन का कहना है कि कलीम ने उससे कई बार कहा कि तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनकी अश्लीलता वाली वीडियो बनाओ, इसके अलावा युवाओं को नशे का आदि बनाओ तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। नितिन का कहना है कि कलीम ने यह भी बताया कि उनको इन सब के लिए विदेशों से लगातार पैसा आता था, लगातार फंडिंग आती थी। इनका एक हेड ऑफिस दिल्ली की रोहिणी में भी है और इसके अलावा तमाम और जगह है जहां पर नितिन पंत ने यूपी सरकार से मांग की है कि इनके गिरोह के तमाम सदस्य को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और मेरे सहयोगी सुशील एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? काजोल जी, मैं बताना चाहूंगा जी, कलीम सिद्दीकी के मामले में जो है इमरान मसूद, सहारनपुर में चर्चित रहने वाले इमरान मसूद ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतर के मामले में जो कलीम सिद्दीकी अरेस्ट किए गए हैं वो सरकार ने अपनी कमियां छिपाने के लिए गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल सुशील, यहाँ पर कितने ऐसे युवा हैं जो नितिन की तरह हैं, जो गए थे काम के सिलसिले में लेकिन वहां उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये गलत है तो वापस वो हिंदू धर्म में आ गए, ऐसे कितने युवा वहां पर मौजूद हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के महासचिव जो है हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, और एटीएस द्वारा जो धर्मांतर मामले में जो अरेस्ट किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को, इमरान मसूद जी ने उन्होंने कहा है कि इस्लामिक देश जो है भारत में जितने भी बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं उनको चंदा देते हैं, इसलिए उन्होंने जो है उनके खाते में काफी रुपया था। जी बिल्कुल सुशील, यहाँ पर जो संचालक है मौलाना कलीम सिद्दीकी, इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या कुछ इसने खुलासे किए हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी मैं बता रहा हूँ, जांच चल रही है, जांच के बाद खुलासा होगा क्या 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 उन्होंने धर्मांतर के मामले में कितने लोगों को धर्मांतर कराया। जी बिल्कुल, यहाँ पर नितिन पंत ने कई खुलासे किए, उसका कहना है कि युवाओं को नशे का आदि बनाया जाता था और ये कहा जाता था कि आप जाओ बाहर और युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नशा फैलाओ, इसके अलावा जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनकी अश्लील वीडियो बनाओ, उन्हें वायरल करो और उनका भी धर्म परिवर्तन कराओ, इसको लेकर क्या कुछ मिला है, कुछ सबूत ऐसा? हाँ, पंत जी का कहना है कि इसमें जो है कलीम सिद्दीकी जो है उनको पैसे का लालच देकर धर्मांतर के लिए उनको बोलता है कि किसी महिला का धर्मांतर कराए जिससे आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। जी सुशील, इस पूरे मामले में कितने और लोग शामिल हो सकते हैं कलीम सिद्दीकी के अलावा, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि उसके साथ कई और तार भी जुड़े हैं, कई लोग जुड़े हो सकते हैं? जी इसमें एक नया खुलासा होने जा रहा है, कल एटीएस द्वारा जो है सरसा में एक छापा मारा है, इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभी इसकी गुप्त जानकारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लालच देकर धर्म परिवर्तन लगातार कराया जा रहा था और इसका संचालक जो था वो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर नितिन पंत ने खुलासा किया कि वहां पर युवाओं को लालच दिया जाता था शादी का और पैसे का, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो उम्मीद है कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी, किन किन लोगों तक जुड़े हुए हैं वहां भी जान पहचान या फिर जांच पड़ताल की जाएगी, इसके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनसे भी लगातार छानबीन की जा रही है, इसके अलावा जो विदेशों से फंडिंग आती थी कौन कौन से देशों से आती थी इस पर भी लगातार जाँच की जा रही है। सहारनपुर में यूपी एटीएस की तरफ से धर्मांतरण फंडिंग मामले को लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। उनकी इस गिरफ्तारी पर एतिहाद उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मुस्तफा देहलवी ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी सरासर गलत है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार मुसलमानों और दलितों पर जुर्म कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था लेकिन उस नारे पर सरकार खरी नहीं उतर रही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा किया जाए, साथ ही उन्होंने इंसानियत पसंद लोगों से भी जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की मांग की है। तो जहां एक तरफ मौलाना कलीम को लगातार गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठ रही है उनके खिलाफ, तो उनकी पैरवी करने वाले भी बहुत लोग सामने आ रहे हैं। देवबंद के उलेमा नाराज नजर आ रहे हैं कलीम की गिरफ्तारी को लेकर, उनका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से मुसलमानों और दलितों पर जुल्म हो रहा है
और लगातार हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इनका ये मानना है कि गिरफ्तारी सरासर गलत है और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे इस तरह का अत्याचार लगातार होता रहेगा। कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी सरासर गलत है। भाजपा हुकूमत जब से आई है लगातार मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर, मजदूरों पर जुल्म कर रही है और जुल्म की इंतहा कर दी है। मैं भाजपा हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस नारे के साथ आए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा हुकूमत से ये भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर मौलाना को रिहा करें और इस तरह की जो और दूसरी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको भी बाइज्जत बरी किया जाए। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो कानून को अपने हाथ में न लें, सब्र से काम लें और अपने कायदीन से दरख्वास्त करना चाहता हूं तमाम इंसानियत पसंद लोगों से कि वो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। ताजनगरी आगरा का बूट उद्योग इस समय बर्बादी के कगार पर है। आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में आगरा के बूट उद्यमियों का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से सिमट कर महज 20 करोड़ रह चुका है। ये उद्योग सुरक्षा बलों के साथ ही कई सरकारी विभागों की सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन अब सरकारी विभागों की खरीद नीति में अनावश्यक शर्त लगने से इसमें कमी आ रही है। बूट उद्यमियों के अनुसार अगर जल्द इस खरीद नीति की खामियों को दूर नहीं किया गया तो शहर के छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल GM के तहत बूट सप्लाई के निकलने वाले टेंडर्स में टर्नओवर क्लॉज सहित खरीद नीति में कई बदलावों ने आगरा के बूट उद्योगों को बंदी के कगार पर ला दिया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि 2017 तक आगरा के बूट उद्योग का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हुआ करता था, मगर अब आगरा के बूट कारोबार महज 15 से 20 करोड़ के सालाना टर्नओवर तक ही सीमित रह गए हैं। कितना घाटा इन्हें उठाना पड़ रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालात ये हैं कि जहां कभी आगरा में 30 से 45 इकाइयां हुआ करती थी, वहां आज महज ये संख्या 7 से 10 तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि जेम के तहत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, टर्नओवर के नाम पर छोटी इकाइयों के साथ भेदभाव ना किया जाए। अभी जो है गवर्नमेंट ने कुछ सालों से ये क्राइटेरियाज लगा दिए हैं, जो ऐसे क्राइटेरियाज लगा दिए हैं जो कि हम जो है एमएसएमई यूनिट्स यहाँ पे छोटी यूनिट्स उसे फुलफिल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जो है अब गवर्नमेंट के टेंडर्स में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। क्राइटेरिया वो जो लगे हुए हैं जो आज की तारीख में, वो सिर्फ क्राइटेरिया बड़े आदमियों को, बड़ी फर्मों को जो है कंसिडर करने के लिए जो है लगाए गए हैं। बिजनेस इफेक्ट तो सर ये है, करोड़ों में इफेक्ट हुआ है। जो हम लोग के पास ऑलमोस्ट जो है दो करोड़ से 5 करोड़ की जो है सेल होती थी, वो आज की तारीख में 40-50 लाख या 80-1 करोड़ तक रह गई है। और जो गवर्नमेंट से हमारी डिमांड ये है कि जैसे जो पहले जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी थी DGCNDA, उनके थ्रू जो है प्रिक्योरमेंट होता था और जो लोएस्ट वन जो आता था उसको वही रेट जो है सबको ऑफर किए जाते थे, उस तरीके से प्रिक्योरमेंट करें जिससे कि ऑर्डर एक को ना मिलके 10 पार्टी हैं तो 10 पार्टी को मिले, जिससे कि अगर जो है काम जो है सबको मिले, एक को ना मिले। एक को मिलेगा तो क्या करेगा वो, एक को मिलेगा तो एक ही जो है खाना खाएगा, बाकी 9 आदमी उसके लेबर, उसके जो है और कुछ और खर्चे कहां से मीट आउट होंगे। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुठियाल के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र, क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक पचपेड़वा अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पचपेड़वा की पुलिस टीम की तरफ से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस के साथ गोवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला जहां पर पुलिस मुठभेड़ में गौवत का वांछित गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके पास से कई तरह के अवैध सामान भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही भागने में कामयाब रहे उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। कल रात लगभग 1:15 बजे थाना पचपेड़वा के भातर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस गश्त पे थी और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें मशगूल थी। मुखबिर से सूचना मिली कि अभी हाल में हुई घटना जो गोकशी की है उसका मुलजिम कल्लू उधर
पर उसका पीछा किया गया और उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस वालों ने भी सुरक्षार्थ फायर किया, गोली उसके बाएं पैर में लगी नीचे साइड में और उसके पास से 315 गोल का कट्टा, एक गेंदा कारतूस में दो धोखा कारतूस 315 का बरामद हुआ। उसको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल CSC रवाना किया गया और अग्रेतर जो वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित की जा रही है। बलरामपुर के थाना हरैया में 62 साल की नूर जहां सुबह कुछ काम से अपनी लड़की के घर गांव गोपालपुर जा रही थी, बीच में खरिनिया नाला उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वो नाले में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। शव को आसपास के ग्रामीणों की तरफ से ढूंढा गया लेकिन मृतका का शव नहीं मिल पाया। जिला मुख्यालय से PAC पुलिस बल को शव की तलाश करने के लिए बुलाया गया, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बलरामपुर का ही पूरा मामला जहां पर पुलिस ने महिला के शव को ढूंढ निकाला है। दरअसल बताया जा रहा है कि महिला का पैर फिसला नाला पार करते समय, तभी महिला अचानक इस नाले में गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। वो हमारी औरत जाट रही अपने लड़की की, तो यहाँ नाला में पहुंची तो उसका गोल फिसल गई तो वो डूब गई उसमें पानी में। डूबने के बाद तो पानी पड़ी ही। गाजियाबाद नगर निगम अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त करा रहा है। जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के बाद जमीनों की बाउंड्री की जा रही है। गाजियाबाद में भू माफिया नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। जिन जमीनों को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराकर बाउंड्री कराई है, उन जमीनों पर भू माफिया पिलर को गिराकर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में लगातार लगा हुआ है लेकिन नगर निगम की मेहनत को भू माफिया पलीता लगाने के चक्कर में है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने साफ कहा है कि जो भी जमीनों पर कब्जा करने में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद का एक पूरा मामला जहां पर नगर निगम की जमीन पर लगातार कब्जा किया जा रहा है और नगर निगम लगातार उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक बार हम लोग इसको पहले खाली करा चुके हैं और अभी इसमें हम लोगों का कुछ एक तो सामान पड़ा हुआ है जो हम लोगों ने अवैध होर्डिंग शहर से काटी है, वो हम लोगों ने इसमें फिलहाल के लिए रखवाई है। उसका एक टेंडर भी हो चुका है और अभी उसको साफ करा देंगे। लेकिन अभी जब हमने सर्वे कराया तो जानकारी मिली कि जो पिलर हम लोगों ने लगाए थे उसमें से कुछ पिलर जो है वो डैमेज मिले, तो ये भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि ये दोबारा से अगर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो जो संबंधित लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, लैंड का यूसेज आगे किस तरीके से किया जा सकता है? अभी हम लोग इसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका लैंड यूज़ क्या है और उसके बाद में एक बार हमारा ये भी प्लान था कि कुछ नगर निगम से संबंधित कोई बिल्डिंग भी हम लोग वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक बार लैंड यूज़ क्लियर हो जाएगा तो और उसकी जो यूटिलिटी है लैंड की वो किस रूप में बेटर हो सकती है ये भी हमको देखना है। वैसे जानकारी में ये भी मुझे प्राप्त हुई थी कि जब कावड़ यात्रा होती है तो एक वहाँ पे एक ठहराव जो है लगाया जाता है, तो उसको भी हम लोग मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा उस लैंड का हम लोग करेंगे। सर, आपने पहले भी कब्जा मुक्त कराई थी और अगर कोई दोबारा कब्जा करने जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम लोग ऐसे मामलों में जैसे पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने करीबन 50 हेक्टेयर के आसपास लैंड नगर निगम की खाली कराई है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास की लैंड एक साल में हम लोगों ने खाली कराई है। बीच बीच में कुछ इस तरह की बातें हमें संज्ञान में आती हैं कि दोबारा से अगर कोशिश की जाती है तो हम लोग उसमें मुकदमा दर्ज करा के और जो संगीन धाराएं हैं वो उनमें हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर एक गैंग के रूप में कोई आइडेंटिफाई होता है कि गैंग बना के कब्जा कर रहे हैं तो गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग जिला प्रशासन को अनुरोध करेंगे कि उनको उसमें बुक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौना के झंझरी ब्लॉक में पूरा शिवा बख्तावर में पड़ताल किया गया तो कई ऐसे लोग भी मिले जो आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कुछ लोगों का कहना था कि 2017 से शौचालय के लिए फॉर्म भर रहे थे और अधिकारियों को अवगत करा रहे थे, फॉर्म तो ले लिया लेकिन उसके बदले झूठा आश्वासन देकर भेज दिया जाता। वहीं पूरे शिवा बख्तावर में बने सामुदायिक शौचालय के दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। केंद्र सरकार जहां देश स्वच्छ रखने और बनाने में हजारों करोड़ रुपए शौचालय में खर्च कर रही है, वहीं गौना में बने सामुदायिक शौचालय और कितने ग्रामीण किन लोगों के पास शौचालय नहीं है वो आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। लगातार जिम्मेदार लोगों के पास जा रहे हैं। जिस तरह से शौचालय के नाम पर गौना में लापरवाही के साथ साथ घोटाले के भी मामले उजागर हुए हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सवाल के घेरे में खड़ा होता नजर आता है।
हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 2,81,000 रुपए की लूट करने वाले चोरों का खुलासा किया। वहीं लूट करने वाले चार अंतर जनपदीय अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि 21 तारीख को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूटी गई रकम 2,86,000 रुपए, नकद, एक तमंचा, 315 बोर कारतूस के साथ लैपटॉप समेत तमाम चीजें बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय मधुबेनिया में पहुंचकर वृक्षारोपण और पोषण माह के कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ टिफिन शेयर किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने भी एक बच्चे के टिफिन से खाना खाया। वहीं उन्होंने कहा कि जहां सब कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पोषण खाना नहीं मिलता, इसको ये प्रमाण है कि जहां बच्चे आपस में एक दूसरे को खाना देते दिखे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर के वासियों को बड़ी सौगात मिली है। सौगात का अवसर केंद्रीय मंत्री ने डुमरियागंज के सांसद जगदम्बा पाल को दिया और कहा कि अगर छोटा काम करने के लिए सीखना हो तो सांसद जगदम्बिका पाल से सीखना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां पर विद्यालय का उन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ वो बच्चों के साथ टिफिन शेयर करते हुए भी नजर आए। आज इस जिले की, सिद्धार्थनगर जिले की जो एक अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, राज्य शासन की 5 एकड़ जमीन उपलब्धि के उपरांत 20 करोड़ रुपया खर्चा करके 1 से 12वीं तक आज तो एक एक सेक्शन खुली है, आज एक एक सेक्शन खुली है, आने वाले दिनों में 3-3 सेक्शन खुलने की कैपेसिटी के साथ ये विद्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कोरोना की महामारी के बाद जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसी के अवसर पे सौगात लेके आए हूँ। नया भवन सिद्धार्थनगर को आज हम देके जा रहे हैं। जो जिला पिछड़ा था, 4 साल पहले जिस स्कूल में 400 विद्यार्थी आते थे, आज 4.5 साल योगी जी के शासन के बाद वहां 800 विद्यार्थी की उपस्थिति आई है। मित्रो, इसी को कल्याणकारी स्वस्थ कर रहा है। मैं आपको निवेदन करने आया हूं, आप ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए, ऐसे ही जिम्मेदारी आप लेते रहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।